चंदावर का यह युद्ध कुतुबुद्दीन की कमान में मोहम्मद गौरी की फौज और कन्नौज के राजा राजा जयचंद के बीच 1194 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो क्या वाकई में यह युद्ध मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच लड़ी गई थी? जब मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 1192 ईस्वी में मार दिया था, तब 2 साल बाद यानी कि 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी इस युद्ध के लिए कैसे जिंदा हो गया? दूसरी तरफ सवाल यह भी है कि यदि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज से युद्ध करने को आमंत्रित किया था, तो मोहम्मद गौरी ने जयचंद के साथ युद्ध क्यों किया? और आखिरकार सवाल यह है कि राजा जयचंद एक गद्दार थे या नहीं थे? तो आइए इन सारे सवालों के जवाब हम जानते हैं इस बैटल ऑफ चंदावर में। तराइन के दूसरे युद्ध को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी अपने देश वापस लौट गया था। इसके साथ ही दिल्ली और अजमेर की बागडोर उसने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन को सौंप दी थी। दोस्तों, मोहम्मद गौरी लालची होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। मोहम्मद गौरी की नज़र अब कन्नौज पर थी। कन्नौज उस समय संपन्न राज्य था और भारत के भी साम्राज्य आपस में कन्नौज को लेकर संघर्ष करते रहते थे। उत्तर भारत में जीते हुए साम्राज्य को सुरक्षित रखना और आक्रमण से बचाना भी एक कारण था जिसकी वजह से मोहम्मद गौरी कन्नौज पर कब्जा करना चाहता था। वह जानता था कि शक्तिशाली राज्य कन्नौज को अपने अधीन किए बिना भारत में उसकी सत्ता कायम नहीं रह सकेगी। तराइन के इस युद्ध के 2 वर्षों के बाद कुतुबुद्दीन जयचंद पर चढ़ाई करने के लिए आगे बढ़ा। कुतुबुद्दीन ने बहुत ही कम समय में दिल्ली, कोल और मेरठ को जीत लिया था। फिर कुतुबुद्दीन अपने 50,000 सैनिकों के साथ गदवाला पर हमला कर दिया और जीत गया। कुतुबुद्दीन को लगा कि उसने जयचंद को हरा दिया है, लेकिन हकीकत में उसने जिसे हराया था वह जयचंद की फौज का एक छोटा सा हिस्सा था। जयचंद यह बखूबी समझ चुका था कि मोहम्मद गौरी की चाहत पूरे हिंद पर कब्जा करने की है। तब राजा जयचंद ने भी तैयारियां करनी शुरू कर दी। उधर जब मोहम्मद गौरी को यह बात पता चली कि राजा जयचंद युद्ध की तैयारियां कर रहा है, तब खुद मोहम्मद गौरी हिंदुस्तान आ गया। लेकिन इस युद्ध को वह खुद नहीं लड़ा, उसने कुतुबुद्दीन के कमान में अपनी फौज को युद्ध करने भेज दिया। तो दोस्तों, कहा जा सकता है कि यह युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच नहीं बल्कि कुतुबुद्दीन और जयचंद के बीच लड़ी गई थी। यह भी कहा जा सकता है कि शायद पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया था, इसलिए मोहम्मद गौरी इस युद्ध में शामिल नहीं था। आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इधर राजा जयचंद अपनी फौज का कमान खुद संभाल रहे थे और मोर्चे पर सबसे आगे थे। कुछ ही पल में एक भीषण संग्राम शुरू हो जाता है। शुरुआत से ही जयचंद की फौज कुतुबुद्दीन की फौज पर भारी पड़ रही थी। राजा जयचंद जीतने ही वाले थे, तभी अचानक कुतुबुद्दीन ने एक तीर चलाया और वह तीर राजा जयचंद की आंख में जा लगा और राजा जयचंद वहीं पर हाथी से गिर पड़े। अपने राजा को लहूलुहान गिरा हुआ देखकर जयचंद की फौज का मनोबल कमजोर होने लगा। उनकी फौज इधर उधर भागने लगी और इसी का फायदा उठाकर कुतुबुद्दीन इस जंग को जीत गया। चंदावर के इस युद्ध में जयचंद की हालत इतनी बुरी हो गई थी दोस्तों कि उनका चेहरा पहचानना भी मुश्किल हो गया था। वो तो कुछ दांत जयचंद के सोने के थे जिससे उनकी पहचान हो पाई थी। जयचंद की मृत्यु के बाद गौरी ने असनी के किले को लूटा जहां जयचंद ने अपने कोष संग्रहित कर रखे थे। जयचंद के सभी प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिया गया और मोहम्मद गौरी की सेना ने आगे बढ़कर बनारस को भी लूटा। बनारस में कई मंदिरों को नष्ट कर उसके स्थान पर मस्जिदें बनवाई। इस प्रकार ये माना जा सकता है कि मोहम्मद गौरी द्वारा तराइन और चंदावर की विजय ने भारत में तुर्क राज की बुनियाद रख दी थी। हालांकि कुछ लोग जयचंद को देशद्रोही या गद्दार तक मानते हैं, क्योंकि कुछ जनश्रुतियों के अनुसार जयचंद ने मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण दिया था, लेकिन दोस्तों इस बात का कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं है। स्वयं पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबर दाई द्वारा लिखित पुस्तक पृथ्वीराज रासों में जयचंद की वीरता का वर्णन है।
तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।